नेता तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा। उन्होंने बिहार की दो विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर नीतीश पर कई आरोप लगाए हैं। तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर शराब बंटवाने का भी आरोप लगाया। इसके अलावा ये भी आरोप लगाया कि छठ के नाम पर राज्य सरकार की ओर से महिलाओं को साड़ियां बांटी जा रही हैं, मतलब लालच दिया जा रहा है, शराब बांटी जा रही है। दो सीटों पर उपचुनाव होने हैं और आरजेडी के तमाम नेता, साथ ही तेजस्वी यादव नीतीश सरकार पर हमलावर हैं। ऐसे ऐसे लोगों को चुन चुन करके लगातार प्रशासन दोनों क्षेत्रों में तन धन बल का पूरा उपयोग करवाया जा रहा है। सारी शक्ति लगा दीजिए, हम डंके के चोट पर दोनों चुनाव जो है जीत रहे। शराब का बौछार हो रहा है, शराब का बौछार कराने वाले लोग प्रशासन के लोग, कई जगह के थाना प्रभारी लोगों से फोन करके जो सप्लायर्स है उनसे बात करके, सभी डीलरों से बात करके ब्लैक मार्केट वाले लोग जगह जगह जो है दारू प्रशासन बंटवाने का काम कर। और यही नहीं, महिलाओं को छठ के नाम पे साड़ियां बांटी जा रही है। तो हम लोगों की नजर जो है, हमने बोला हर एक छोटी छोटी चीजों पर, हर एक छोटी छोटी चीजों पर, और हम तो हेलीकॉप्टर रखे हुए हैं। 30 तारीख को कोई गड़बड़ी होगा, अगर भारी बेमानी होगी तो हम तो पहुंच जाएंगे। साकेत जुड़े हुए हमारे साथ। साकेत, हाई प्रोफाइल सीट है और हाई प्रोफाइल सीट के साथ आरोप भी अब लगना शुरू हो गए हैं। देखिए बिल्कुल, उसको लेकर आरजेडी और जेडीयू काफी गंभीर है इन दोनों सीटों को जीतने के लिए, और इसी को लेकर लगातार आप देखिए कि तमाम लोग कैंपेन कर रहे हैं दोनों पार्टियों के तरफ से। लालू यादव खुद बिहार पहुंच गए, उन्होंने कैंपेन किया है तारापुर और कुशेश्वर स्थान दोनों सीटों पर। तो ये दोनों सीटें जीतना दोनों पार्टियों के लिए नाक का सवाल है। और कल जिस तरह से तेजस्वी यादव ने एक डीएसपी पर आरोप लगाया, दिलीप झा का नाम लेते हुए उन्होंने कहा कि वो सरकार के लिए काम कर रहे हैं और उनको बजाबता वहां पर पोस्टिंग दी गई है ताकि जो चुनाव जब यहां पर हो तो उसको वो प्रभावित कर सके, उसके लिए 25 बूथों का जिम्मा उनको दिया गया है। तो ये आरोप उन्होंने लगाया था। और चुनाव आयोग से भी जो डेलीगेशन है आरजेडी का, उसने मिलकर अपनी शिकायत दर्ज की थी, जिसके बाद रात तक जो है वो नोटिफिकेशन आ गया और उनको वहां से हटा दिया गया। तो ये कहीं ना कहीं साफ होता है कि दोनों सीटें जीतना दोनों पार्टियों के लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आप देखिए सरकार में भी जो नंबर है वो काफी कम अंतर है दोनों पार्टियों के बीच। शुक्रिया साकेत इस जानकारी के लिए। बुलेटिन में हम रुक रहे हैं बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, लौट रहे हैं जल्द, आप रहिए हमारे साथ।